अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो, आज का हमारा टॉपिक है फेंट लाइन के बारे में, जो कि अक्सर औकात प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे देखी जाती है। वैसे तो सबको पता है कि अगर दो डार्कर लाइन्स अपेयर होती हैं तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर जो है वो सिर्फ एक लाइन अपेयर होती है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है। लेकिन बाज़ औकात जो है वहाँ पर एक डार्कर लाइन आती है और एक लाइटर लाइन आती है, तो क्या वाकई ही इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं है? तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आपने सारे पॉइंट्स को जो है वो गौर से सुनना है और अपने माइंड में रखना है, ताकि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो कि अगर कहीं इन रीजंस में से किसी भी वजह से आपकी वो फेंट लाइन आई है तो आप इस चीज़ को जज कर सको कि क्या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं लेडीज़ के, जैसे कि अक्सर औकात जो है वो कहती हैं कि हमें फेंट लाइन आई है लेकिन उसके बाद हमें पीरियड्स आ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक दफ़ा फेंट लाइन आई लेकिन वो बार बार वही फेंट लाइन आ रही है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट जो किया जाता है, जैसे कि कपल से वेट नहीं होता है और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से पता चल जाए कि उनके प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो इस चक्कर में वो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि अभी औरत के पीरियड्स मिस नहीं होते हैं और वो पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अक्सर औकात जो है वो पीरियड से पहले ही आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको बिल्कुल हल्की सी लाइन नज़र आती है। उसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि जो हल्की लाइन वो इसलिए आपको नज़र आएगी कि जो हार्मोन उस स्ट्रिप ने डिटेक्ट करना है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, जो कि HCG हार्मोन है। जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है पीरियड से पहले, आपकी इम्प्लांटेशन मतलब कि बच्चा जो है वो बच्चादानी के अंदर जाके जुड़ जाता है आगे ग्रो करने के लिए, तो फिर वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम HCG कहते हैं, और इसी HCG को प्रेगनेंसी स्ट्रिप जो है वो डिटेक्ट करती है और हमें रिजल्ट देती है। तो स्टार्टिंग में जो है वो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होता है, उसकी वजह से आपको हल्की सी लाइन देखने में मिलती है। लेकिन अगर आप वही टेस्ट जो है वो 3 से 4 दिन के बाद करें, या फिर 1 हफ्ता आप वेट करो और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करो, तो वही फेंट लाइन आपको डार्कर नज़र आएगी। देन सेकेंड रीज़न, लेट ओवुलेशन। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो है वो हमने तो पीरियड्स मिस होने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन फिर भी हमारी फेंट लाइन आई, तो ऐसा क्यों हुआ? वो इस वजह से कि हमारी अक्सर औकात जो है ओवुलेशन लेट होती है, मतलब कि एग जो है वो लेट रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन लेट होगी उसकी वजह से, और उसकी वजह से आपकी इम्प्लांटेशन भी लेट होगी। मतलब कि बच्चा लेट बच्चादानी में जाके जुड़ेगा और फिर लेट ही वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि अभी हमारे एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट तो ये थी, वो तो गुजर चुकी। आपको ऐसा लगता है कि हमारा 6ठा या 7वां हफ्ता प्रेगनेंसी का चल रहा है लेकिन होता असल में वो 4था हफ्ता है, तो उसकी वजह से आपको बिल्कुल फेंट लाइन नज़र आती है। लेकिन सेम प्रोसीजर अगर आप वही जो टेस्ट है वो 3 से 4 दिन के बाद रिपीट करोगे तो वो फेंट लाइन डार्कर हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बच्चा भी ठीक से ग्रो कर रहा है और सब चीज़ें नॉर्मल हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारी फेंट लाइन आई और उसके बाद हमने टेस्ट रिपीट किया लेकिन फिर हमारी फेंट लाइन आई। हम जब भी टेस्ट करते हैं तो हमारी हल्की ही लाइन आती है और वो डार्कर नहीं होती है, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी बहुत ही डेंजरस रीज़न हो सकती है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि बच्चा जो है वो बच्चादानी में जाके जुड़ने की बजाय आपकी ट्यूब में या फिर आपकी ओवरी में जुड़ जाता है, तो वहाँ पे वो उसका साइज़ बड़ा नहीं होता है क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाता है, तो जो हार्मोन HCG प्रोड्यूस हुआ होता है स्टार्टिंग में वो बिल्कुल कम ही रहता है और आगे नहीं बढ़ता है, तो इस वजह से भी आपको हल्की सी लाइन नज़र आती है। देन सेकेंड रीज़न है मिस्ड अबॉर्शन। अक्सर औकात ये होता है कि बच्चा सही जगह पर बच्चादानी में जाकर जुड़ तो गया है लेकिन अगर आपका एग अच्छी क्वालिटी का नहीं था या फिर स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर फर्दर ग्रो नहीं कर पाया और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई और उसकी डेथ हो गई। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि एग और स्पर्म को अच्छी क्वालिटी का कैसे किया जा सकता है, तो इस पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उस पर वीडियो लाजमी बनाऊँगी।
तो उसकी वजह से भी आपको अक्सर औकात फेंट लाइन नज़र आती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर कैसे होंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करती है, अल्ट्रासाउंड में वो आपको गाइड कर देती है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर अबॉर्शन हो चुका है, मतलब कि हार्ट बीट बच्चे की प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऐसा इशू है तो वो आपको बता देती। देन थर्ड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि अगर जो है वो फेंट लाइन आई और उसके बाद हमें पीरियड्स आ गए, तो मोस्टली लेडीज़ को ये लगता है कि हमारे अल्ट्रासाउंड में भी कुछ शोर नहीं हो रहा, मतलब कि डॉक्टर कहती है कि कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन हमें तो फेंट लाइन नज़र आई थी, तो इसका मतलब है कि शायद डॉक्टर को कोई गलत फहमी हुई है या कोई ऐसा मसला हुआ है, तो उसकी क्या रीज़न होती है? अगर तो आपको फेंट लाइन नज़र आई और उसके कुछ टाइम के बाद आपको पीरियड्स आ गए, तो इसकी पहली रीज़न तो ये है कि वो इवेपोरेशन की वजह से आपको फेंट लाइन नज़र आई, मतलब कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट ठीक से नहीं किया। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, एक तो अपना फर्स्ट जो आप मॉर्निंग में जब उठते हो और फर्स्ट यूरिन होता है उससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, देन सेकेंड आपको जो है वो उस प्रेगनेंसी स्ट्रिप को जो है वो काफ़ी देर तक नहीं रखना चाहिए, मतलब कि अगर आप उसको आधा घंटा एक घंटे के लिए रख देते हो तो वही यूरिन जो है वो इवेपोरेट होकर आपको हल्की सी फेंट लाइन देता है। तो इसलिए जब भी आप टेस्ट करो तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करो और इस चीज़ को माइंड में रखो कि अगर इस रीज़न की वजह से आपकी फेंट लाइन आ रही है तो वो आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। देन सेकेंड रीज़न होती है इस केस में केमिकल प्रेगनेंसी, मतलब कि आपका जो है वो एग और जो स्पर्म है वो तो फर्टिलाइज हो गया आपस में, उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो बच्चादानी में जाकर नहीं जुड़ पाया। जब वो बच्चादानी में नहीं जुड़ेगा तो उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी और जाहिर सी बात है आपको पीरियड्स आ जाएंगे, तो इस केस में भी आपको हल्की सी जो है वो फेंट लाइन नज़र आती है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अक्सर लेडीज़ ये भी कहती हैं कि हम जो है वो कंसीव करने के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलिटी की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो उसके लिए भी हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको बाज़ औक़ात फेंट लाइन नज़र आती है। वो इसलिए होता है कि जब आपको जो मेडिसिन दी जाती है या फिर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसमें HCG हार्मोन प्रेजेंट होता है और वो HCG हार्मोन आपकी बॉडी में मौजूद होता है उन मेडिसिन की वजह से, जो कि आपके यूरिन में डिटेक्ट होता है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो। तो अब आप अपने माइंड में रखो कि अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो उस टेस्ट को लाजमी कुछ अर्से के बाद रिपीट करो, ताकि आप उस चीज़ को कन्फर्म कर सको कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से वो फेंट लाइन आ रही थी या फिर आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से आपको वो फेंट लाइन नज़र आती है। देन नेक्स्ट, अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सिस्ट है आपकी ओवरीज में, बच्चादानी में कोई भी रसोलियाँ हैं, तो उसकी वजह से भी आपको अक्सर औकात फेंट लाइन नज़र आती है। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, डिटेल से आपको उस चीज़ के बारे में गाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मैं उन टॉपिक्स को कवर कर सकूं। सो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।